आपको बता दें कि आज जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने अमित शाह के बिहार आगमन को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। नीरज कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री झूठी बातें करते हैं, जनता के बीच भाषण देने से पहले गीता पर हाथ रखकर कसम खाकर भाषण दे। विशेष राज्य का दर्जा बिहार का हक है। जब बिहार में चुनाव के समय वोट लेना था तो विशेष राज्य और विशेष पैकेज याद आ रहा था। आज जब इसकी मांग हो रही है तो ये मुद्दा उन्हें गलत लग रहा है। इस दौरान और क्या कुछ कह रहे हैं नीरज कुमार, देखिए इस वीडियो। नरेंद्र मोदी जी को जब तभी याद आ रहा था 2015 के चुनाव में, विशेष दर्जा, विशेष सहायता, विशेष अनुदान देंगे। अरे क्यों, गुनाह क्या है बिहार का यह बताइए ना। विकास दर हमारा राष्ट्रीय औसत विकास दर लगातार कायम है, उसके बावजूद हमको क्यों नहीं हक चाहिए? हमारे हकबारी करिएगा तो सवाल तो उठेगा, किसने पोस्टर लगाया मैं नहीं जानता, लेकिन ये विधानमंडल का सर्वसम्मत प्रस्ताव है। अगर भारतीय जनता पार्टी औपचारिक रूप से यह बोलती है तो ये विधायिका का अपमान है। देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी विपक्ष की महाबैठक के बाद और हर एक कार्यक्रम में, इधर लगातार मैं देख रहा हूँ, चाहे पूर्णिया हो चाहे हिसुआ हो, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ललन बाबू के नाम पर परेशानी है। तो अब चले लखीसराय की ओर, लखीसराय में सभा है तो वो अध्यात्म की भूमि है, गीता पर हाथ रख के बोलिएगा जो भी बोलिएगा सो, अगर सनातनी है तब, क्योंकि आप बहुत असत्य बोलते हैं। कभी पूर्णिया में एयरपोर्ट खुलवा देते हैं, कभी नवादा में रजौली में तापघर बनवा देते हैं, तो सत्य आज एकादशी के दिन है, इसलिए जो बोलिएगा सत्य बोलिएगा, नहीं तो सनातन धर्म में पाप का भी सामना करना पड़ेगा।